देखिए दो बातें, खाना और इंसुलिन। खाना हमारे यहाँ समय पे दिया जाता है, जिसका है उसका समय निर्धारित है। इनका कोर्ट ऑर्डर से खाना घर से आता है, तो आने में, चेकिंग होने में और इन तक पहुँचने में यदि 5 मिनट 7 मिनट लगते हैं तो वो लगेंगे, जहाँ तक मुझे मालूम है। और इंसुलिन की जो बात है, मेरे यहाँ करीब 900 से 1000 आदमी इनमेट्स शुगर से इफेक्टेड हैं, किसी का बाय डाइट मैनेज होता है, किसी का ओरल से, किसी को इंसुलिन से। आई एम मैनेजिंग बिटवीन 900 to 1000 पेशेंट्स एवरी डे आउट ऑफ माई इनमेट्स पॉपुलेशन। सो फॉर मी दीज आर नॉट इश्यूज, बट इफ पीपल रेज इट फॉर पॉलिटिकल रीजन्स आई डोंट एंटर इन टू दैट। आप प्लीज अंडरस्टैंड, 20,000 आदमी रहते हैं मेरे पास, हर किसी को कुछ ना कुछ समस्याएं होती, कुछ रियल होती, कुछ परसीव्ड होती, बट होती, तो उनको उनका रिड्रेसल का भी हम लोगों को इंतजाम करना पड़ता है। तो पीपल डू राइट, इनमेट्स अमूमन लिखते हैं, उनके अभिभावक भी हम लोगों को चिट्ठियां लिखते हैं, जिसके आधार पर उनका निवारण भी होता है। एंड लेट मी टेल यू, हर जेल में एक विजिटिंग जज होते हैं जो ये देखते हैं कि क्या जो इनमेट, जुडिशियल कस्टडी है इसलिए ज़रूरी कि क्या सबको हेल्थ की वो सब सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए, क्या मेडिसिन हैं जो होनी चाहिए, क्या उनके जहाँ पे वो सोते हैं वो साफ है, क्या जो बाथरूम्स का वो है वो साफ है, क्या डू दे हैव एक्सेस टू लीगल रिड्रेसल। तो ये उनका जैसे नल के उसमें पानी आए, दिस इज ये हर जेल में विजिटिंग जज अपॉइंट होते हैं जो देखते हैं, अपनी रिपोर्ट देते हैं, उसके आधार पे करेक्शन भी होते हैं और वे इनकी ग्रीवेंसेस भी सुनते हैं। तो ग्रीवेंस है वो लिखना है, उसकी एक प्रक्रिया, उसमें व्हील प्रोसेस इट, उसमें ऐसा क्या बात है। देखिए दो बातें, खाना और इंसुलिन। खाना हमारे यहाँ समय पे दिया जाता है, जिसका है उसका समय निर्धारित है। इनका कोर्ट ऑर्डर से खाना घर से आता है, तो आने में, चेकिंग होने में और इन तक पहुँचने में यदि 5 मिनट 7 मिनट लगते हैं तो वो लगेंगे, जहाँ तक मुझे मालूम है। और इंसुलिन की जो बात है, मेरे यहाँ करीब 900 से 1000 आदमी इनमेट्स शुगर से इफेक्टेड हैं, किसी का बाय डाइट मैनेज होता है, किसी का ओरल से, किसी को इंसुलिन से। आई एम मैनेजिंग बिटवीन 900 to 1000 पेशेंट्स एवरी डे आउट ऑफ माई इनमेट्स पॉपुलेशन। सो फॉर मी दीज आर नॉट इश्यूज, बट इफ पीपल रेज इट फॉर पॉलिटिकल रीजन्स आई डोंट एंटर इन टू दैट। आप प्लीज अंडरस्टैंड, 20,000 आदमी रहते हैं मेरे पास, हर किसी को कुछ ना कुछ समस्याएं होती, कुछ रियल होती, कुछ परसीव्ड होती, बट होती, तो उनको उनका रिड्रेसल का भी हम लोगों को इंतजाम करना पड़ता है। तो पीपल डू राइट, इनमेट्स अमूमन लिखते हैं, उनके अभिभावक भी हम लोगों को चिट्ठियां लिखते हैं, जिसके आधार पर उनका निवारण भी होता है। एंड लेट मी टेल यू, हर जेल में एक विजिटिंग जज होते हैं जो ये देखते हैं कि क्या जो इनमेट, जुडिशियल कस्टडी है इसलिए ज़रूरी कि क्या सबको हेल्थ की वो सब सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए, क्या मेडिसिन हैं जो होनी चाहिए, क्या उनके जहाँ पे वो सोते हैं वो साफ है, क्या जो बाथरूम्स का वो है वो साफ है, क्या डू दे हैव एक्सेस टू लीगल रिड्रेसल। तो ये उनका जैसे नल के उसमें पानी आए, दिस इज ये हर जेल में विजिटिंग जज अपॉइंट होते हैं जो देखते हैं, अपनी रिपोर्ट देते हैं, उसके आधार पे करेक्शन भी होते हैं और वे इनकी ग्रीवेंसेस भी सुनते हैं। तो ग्रीवेंस है वो लिखना है, उसकी एक प्रक्रिया, उसमें व्हील प्रोसेस इट, उसमें ऐसा क्या बात है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।